फर्जी कंपनियां बनाकर और फिर ज्यादा ब्याज देने का दावा कर आम लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश महाराष्ट्र के ठाणे शहर में हुआ है। इस मामले में गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र के कई शहरों में छापा मारकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में गिरफ्तार किए गए ये वो 5 आरोपी हैं। इन आरोपियों के नाम है प्रकाश मोरे, संदीप पाटिल, कनक शाह, महेंद्र चंद्र जरीवाला और रितेश सुरेश चंद पटेल। इन लोगों पहले 2 कंपनियां बनाई, उनका अकाउंट खोला गुजरात के सूरत में। इन लोगों से 200 दिन के लिए पैसा जमा कराता था और दावा करता था कि यदि वे 7.5 लाख रुपए जमा करते हैं तब वो 200 दिन बाद 21 लाख रुपए जमाकर्ता को देंगे। इसके अलावा यदि जमाकर्ता दूसरे किसी और को भी इसकी कंपनियों में इन्वेस्ट कराता है तब उसे रॉयल्टी के तौर पर हर हफ्ते जमा राशि की 3% रकम 200 दिनों तक देंगे। इसी तरह उन्होंने 9 लोगों को लालच देकर करीब 1,40,27,500 की रकम इन्वेस्ट कराई और फिर जब 200 दिन पूरे हो गए तब पैसा देना तो छोड़ इन लोगों ने अपना संपर्क कार्यालय बंद कर फोन भी बंद कर दिया, जिसके बाद शिकायत मिलने पर पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। 29 मार्च को कापुर पौड़ी पुलिस थाने में एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई, उसमें एक आरोपी जो है प्रकाश मोरे, उसने अपने अन्य 4 साथियों के साथ कुल मिला के 4 बनावट कंपनी स्थापन करके 9 लोगों की यहाँ पे उनको फंसाया है और उसमें से उन्होंने करीब करीब 1,40,00,000 रुपए को उसमें उन्होंने फंसाया। किस तरह की ये कंपनी सर, और किस तरह से लोगों को फंसाते थे? क्रिप्टो ट्रेड नाम की एक कंपनी उन्होंने पहले शुरू की थी, उसमें 1% पर डे लोगों को मिलेगा रिटर्न्स, ऐसा उन्होंने आमिष उसको लोगों को दिया था और बाद में उन्होंने टिप्स जोन, रेड रॉक गेम और जियाकूल नाम की कंपनी स्थापन की थी। उसमें हमें 5 आरोपियों का उसमें नाम अब तक सामने आया है। 5 आरोपियों को महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। क्या बैकग्राउंड क्या है इस आरोपी का और इन्होंने अभी तक फंसाया गया है, किन 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 राज्यों में इन्होंने अब तक लोगों की लूटमार की है? ये खुद को सीए बताते हैं, अकाउंटेंट बताते हैं और उन्होंने अब तक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में लोगों की चीटिंग की है। सर अब तक इन्होंने इतने अपराध किए हैं, इस तरह से अपराध के बाद इतना रिकॉर्ड जो है पुलिस ने किया है? अब तक ये लोगों के 7 बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं और भी इन्वेस्टिगेशन आगे जा रही है। तो उनकी पुलिस कस्टडी और आगे की जांच इस बड़ा रैकेट हो सकता है? 10 तारीख तक पुलिस कस्टडी ऑनरेबल कोर्ट ने सैंक्शन की है और हमें लगता है कि और भी लोगों की यहाँ पे चीटिंग हुई होगी। मैं उन लोगों से दरखास्त करता हूँ कि वो आ जाए और हमारे पास उनके पेपर्स लेके आ जाए और उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करें ताकि हम आगे इन्वेस्टिगेट कर सकें। और मैं लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि ऐसे फेक कंपनी जो होते हैं उनसे सावधान रहे और अपनी चीटिंग होने से बचें। थैंक यू।